यूक्रेन से भारत लौटे एक और छात्र आकाश सैनी ने छात्रों पर गुजरी आपबीती सुनाई है। आकाश सैनी ने कहा कि वह 24 तारीख के बाद से अब तक रात में नहीं सो पाए हैं। बहुत कुछ, बहुत कठिनाइयां हैं, खाना पीना कुछ चीज़ है कि हर चीज़ की परेशानी, सब चीज़ें हैं। ट्रैवलिंग की कुछ नहीं है, अपने आप स्ट्रगल करना, कैसे पहुंचना है, सब कुछ। कब गए थे यूक्रेन और क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं? 2017 में मैं गया था और मैं फिफ्थ ईयर में हूँ, मेडिकल स्टूडेंट हूँ। फिफ्थ ईयर में ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, 2 महीने बचे हैं सिक्स में आने के लिए। तो अब ये भारत सरकार का जो ऑपरेशन है जिसके तहत आपको लाया गया, इसमें कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं नहीं, अगर हमने बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें सारी फैसिलिटीज मिली हैं। हाँ, बॉर्डर क्रॉस करने तक हमें परेशानी उठाई है बहुत, बट उसके बाद सारी फैसिलिटीज़ मिली और फ़्लाइट्स भी बहुत आसानी से मिली और फ़्लाइट्स के लिए कोई पैसा भी नहीं लिया गया किसी तरीके का। तो एम्बेसी और अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से बिल्कुल ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो तस्वीरें आ रही हैं यूक्रेन से, उन्हें देखकर लग रहा हालात बहुत भयावह है वहाँ पे। तो ऐसे में कई सहपाठी आपके भी रह गए होंगे वहाँ। जी जी, क्या चिंता सता रही है अभी भी? जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे अगर हमारे चैनल से के माध्यम से कहेंगे? बस जैसे अपनी मोदी गवर्नमेंट ने इतना साथ दिया है, हमें निकाला है, हम चाहेंगे उनको भी निकाले जल्दी जल्दी से जल्दी। आकाश के इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन में भारतीय छात्रों के लिए कितनी तनावपूर्ण स्थिति रही होगी। अपने घर पहुंचने पर आकाश ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया, साथ ही यूक्रेन के हाई रिस्क शहरों में फंसे भारतीयों को तुरंत वापस लाए जाने का भारत सरकार से निवेदन भी किया। आकाश ने कहा कि मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ऑपरेशन गंगा के तहत मुझे यूक्रेन से निकलवाया। आगे कहा कि युद्ध के बीच भारतीय दूतावास अहम भूमिका अदा कर रहा है। भारत लौटने के बाद मुझे मेरे जैसे बाकी छात्रों की चिंता हो रही है। आपको बता दें कि आकाश सैनी यूपी के जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद नगर के मूल निवासी हैं, जो यूक्रेन में रहकर वहाँ MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। Time24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। Time24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। Time24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।